टॉपिक में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में हमने बताया कि मौलिक अधिकार जो है ये भाग कितने में है, भाग तीन में है। भाग तीन में वर्णित मौलिक अधिकार अधिकार का वर्णन आर्टिकल 12 से 35 तक दिया गया। कहां तक? आर्टिकल 12 से 35। भाग एक के बारे में हमने चर्चा की है। भाग एक क्या बताया है अनुग्रह? भाग एक में बताया संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया, जिनमें हमने क्या कहा, आर्टिकल एक से लेकर चार आर्टिकल तक के भाग ए में वर्णन। और इसके बाद हमने भाग दो देखा। भाग दो में सिटीजनशिप नागरिकता का वर्णन है, और जो नागरिकता है ये आर्टिकल 5 से 11 में दी गई। तो नागरिकता है हमने ब्रिटेन से लाई, ये आपको बताया। नागरिकता जो है वो भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है और ब्रिटेन से लाई गई। 5 से 11 नंबर के आर्टिकल में हमने बताया अभी तक कि नागरिकता जो होती है बेटा कि 5 रूप से हमें प्राप्त होती है। एक तो जन्म से, एक वंशानुगत, एक अर्जित भूभाग से, पंजीकरण से और देशीकरण के माध्यम से। तो भाग एक और भाग दो के बाद हमने भाग तीन को ध्यान देना है कि भाग तीन जो है ये मौलिक अधिकार है जो 12 से 35 तक दिए गए हैं। इनका स्रोत अगर हम कहें तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया। कहां से लिया गया बेटा? अमेरिका से, संविधान से। दुनिया का पहला लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिका है, तो अमेरिका से हमने लिया। मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान में इसकी संख्या कितनी बताई थी? मूल संविधान में इसकी संख्या हमने कितनी बताई थी कार्तिक? 7 ही इसकी संख्या। और वर्तमान संविधान में इसकी संख्या कितनी है बेटा? 6। तो मूल संविधान के हम 7 जो है मौलिक अधिकार उनको देखते हैं। जो पहला है वो है समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है ये आर्टिकल 14 से 18 में वर्णित। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 आर्टिकल। फिर इसके बाद तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये कहां पर है बेटा? आर्टिकल 23 से 24। और इसके बाद जो है धार्मिक स्वतंत्रता, कौन सी बेटा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल, किस आर्टिकल में दिया गया है? जो आर्टिकल 25 से 28 तक दिया। इसके बाद पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है, का अधिकार, ये अधिकार आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है। इसके बाद छठवा जो है संपत्ति का अधिकार, का अधिकार, इसके लिए कौन सा आर्टिकल का वर्णन है? तो आर्टिकल नंबर 31। और अंतिम सातवां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनके लिए आर्टिकल दिया गया है 32। अब जो आपका
कौन सा अधिकार है? आपका पांच छह अधिकार दिए है ना, वर्तमान में कितने बताए बेटा? छह अधिकार दिए। तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी अभी वर्तमान में है, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति। संपत्ति का जो अधिकार है, इस अधिकार को भारतीय संसद द्वारा 44वें संविधान संशोधन, याद रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं जो 1235 हैं, जिसमें मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। तो वो जो एक जो हमें स्वतंत्र अधिकार दिया गया है, वो अधिकार संपत्ति का अधिकार है, जिसे आर्टिकल जो 44वीं संविधान संशोधन 1978 में क्या कर दिया, जो हमारा अमौलिक अधिकार था उसको कौन सा अधिकार दे दिया बेटा? कानूनी अधिकार दे दिया। ठीक है, तो यहां पर 7 अधिकार हो गए, अब शेष कितने बचे? तो अब शेष समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा संस्कृति और संवैधानिक उपचारों का। जब मैंने आपको प्रस्तावना के बारे में भी चर्चा की थी कि जैसे हमने बताया था कि संविधान की आत्मा जो है वो हमने दो बताई थी, एक बताया था प्रस्ताव और एक बताया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो प्रस्तावना है ये प्रस्तावना पंडित जवाहर लाल नेहरू के द्वारा कहा गया और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की प्रस्तावना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। तो हमारे पास संवैधानिक उपचारों के अधिकार के लिए आर्टिकल कौन सा है? 30। तो भारतीय संविधान के इस मौलिक अधिकार के चैप्टर में आपको समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा संस्कृति और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को पढ़ना है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं समानता का अधिकार। सबसे पहला जो मैं आपको बताऊं, समानता का अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होंगे वो इस संविधान के समक्ष समान है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसे समानता का अधिकार दिया गया है। और हमने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का नागरिक होता है तो उसे वहां की स्वतंत्रता, वहां की धार्मिक, राजनीतिक, बौद्धिक सभी प्रकार के अधिकार उसको क्या होते हैं? प्राप्त। अगर मैं भारत का नागरिक हूं तो मुझे वोटिंग का अधिकार होगा, मुझे नौकरी करने का अधिकार होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अधिकार यहां पर भी हम इसको देखते हैं कि जो समानता का अधिकार है ये पहला नंबर है। तो इसको समानता का अधिकार 14 से 18 नंबर के आर्टिकल में वर्णित है, जिसमें आर्टिकल नंबर 14 कहता है बेटा, क्या कहता है कि विधि के समक्ष, इसके समक्ष विधि के समक्ष समानता का अधिकार। मतलब क्या है? या विधि के समक्ष समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, उस व्यक्ति के लिए क्या होगी? समानता होगी। चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब हो। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, जैसे कि आपके राष्ट्रपति और राज्यपाल जब पद के दौरान हैं, तो
पद के दौरान भाई साहब इनको क्या है, किसी भी प्रकार के इनके नाम पे FIR नहीं की जा सकती, ये कोर्ट नहीं जाएंगे या थाना या किसी तरह से पुलिस ऑफिस में ये नहीं जाएंगे। इनके पद की गरिमा होती है तो उसके लिए, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर विधि का समान 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 संरक्षण का क्या करता है, ये अपवाद। फिर आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति, रंग, धर्म, जाति, रंग, वंश, नस्ल, जन्म स्थान या स्थान आदि के आधार पर, के आधार पर भेदभाव निषेध। क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियों के कारण हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग भेद गोरा काला या नस्ल के आधार पर, इन आधारों पर हम क्या करते हैं, भेदभाव करते आ रहे हैं। तो इसको समानता दिलाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, इसलिए धर्म, जाति, रंग, रूप, नस्ल, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति से क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि जो भारतीय संविधान है इसके तहत लोक सेवा में, लोक नियोजन में, नियोजन में अवसर की समानता। कहने का मतलब मैंने कल की कक्षा में भी बताया था कि लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब क्या हो रहा है बेटा, कि आपको सरकारी नौकरी में प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, समानता का अधिकार रखता है। परंतु आप सब जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 16(4) ये कहता है आरक्षण की व्यवस्था की बात करता है। अभी आरक्षण माने रिजर्वेशन, कि हमारे समाज में सभी वर्ग समान नहीं है, सभी वर्ग शिक्षित नहीं है, सभी वर्ग जो है वो क्या है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, बौद्धिक रूप से मजबूत नहीं है। तो इसलिए इसमें समानता लाने के लिए वह हमारी जो संविधान निर्माता के लोग जो थे, संविधान के निर्माण करने वाले, उन्होंने 16(4) के अंतर्गत ST/SC और पिछड़ा वर्ग जो दुर्बल वर्ग है इनको क्या किया गया, आरक्षण प्रदान किया गया। 2019 के लगभग में भारत सरकार द्वारा EWS सामान्य वर्ग में भी जो है जो 10% आरक्षण उनको भी दिया, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग। तो यहां पर आरक्षण एक जो है वो 16(4) में बना। तो ये आपको यहां पर ध्यान देना। 17 नंबर का आर्टिकल कहता है कि भैया अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी का जो है तो अंत करना है, यानी ये जो छुआछूत नामक जो एक समस्या है, एक विकृति है मनुष्य के मस्तिष्क में व्याप्त सामाजिक विकृतियां, इस सामाजिक विकृति को समाप्त करने के लिए अस्पष्टता का अंत आर्टिकल नंबर 17 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा यानी कि संविधान द्वारा। पहले के समय में हम बहुत भेदभाव करते थे, तो उस भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास, इसके लिए हमने सिविल संरक्षण अधिनियम एट्रोसिटी एक्ट 1955 भारत जो है भारत सरकार द्वारा लागू। इसके बाद समानता के अधिकार की बात करें तो समानता में हम क्या करते हैं कि पहले हमारा जो राजा है, हमारा देश जो है वो राजा रजवाड़ों का देश था, रियासतों का या अन्य चीज। तो यहां पर कहा कि आर्टिकल नंबर 18 जो है इसमें हमने क्या किया, उपाधियों का अंत किया, उपाधियों का क्या किया गया, अंत किया। आर्टिकल नंबर 18 में आपको क्या मिल गया, उपाधियों का अंत। इसके अंतर्गत आप यह जो है जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री या शिक्षा से संबंधित या सेना से संबंधित आप उपाधि देते हैं,
लेकिन आप अन्य उपाधियों को यहाँ पर नहीं ले सकते, तो ये आपका हुआ। तो मैंने आपको यहाँ पर मौलिक अधिकार से संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में बताया, जिसमें हमने सबसे पहले समानता के अधिकार के बारे में, समानता का अधिकार जो 14 नंबर आर्टिकल से 18 नंबर के आर्टिकल तक के वर्णित हैं, ये मूल संविधान के, मतलब हम कहते हैं संविधान के मौलिक अधिकारों का भाग। ठीक है।